हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे बैंडिटी डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा क्या स्टेट कर रहा है कि हमको पॉपुलेट करना है इन ऑर्डर सक्सेसर फॉर ऑल द गिवन नोड्स। ठीक है, इन ऑर्डर सक्सेसर मतलब क्या, एक पर्टिकुलर नोड के बाद जो भी नोड है ना उसी को हम कहते हैं इन ऑर्डर सक्सेसर। ठीक है, तो गिवन अ बाइनरी ट्री राइट अ फंक्शन टू पॉपुलेट नेक्स्ट पॉइंटर फॉर ऑल नोड्स। ओके, द नेक्स्ट पॉइंटर फॉर एवरी नोड शुड बी सेट टू पॉइंट टू इन ऑर्डर सक्सेसर, जो कि आपको हम कहे जैसे 8 का इन ऑर्डर सक्सेसर का अगर हम बात करें ना तो 8 नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर होगा 10, 10 नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर होगा 12, 12 के बाद कोई भी नोड नहीं है इसलिए इसका इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा, नल। ठीक है, अगर हम इसका आउटपुट का देखें ना तो 3 का इन ऑर्डर सक्सेसर 8 है, 8 का इन ऑर्डर सक्सेसर 10 है, 10 का इन ऑर्डर सक्सेसर 12 है और 12 के बाद एक भी नोड नहीं है इसीलिए इसका इन ऑर्डर सक्सेसर बाय डिफॉल्ट -1 है जो कि नल है। ठीक है, तो हमको अब यही काम अपने इस पूरे ट्री के लिए करना है। तो हम क्या, मेरा क्या सोच है, मेरा क्या अप्रोच है कि हम कुछ नहीं, हम एक वेक्टर क्रिएट करते हैं। ठीक है, वेक्टर ऑफ नोड स्टार। ठीक है, हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं हमारे इस वेक्टर में, उसके बाद कुछ नहीं, हम एक इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल लेंगे इस ट्री का रूट और ए। ठीक है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मतलब क्या, हम अपने ट्री को ट्रैवर्स कर लेंगे बारी बारी से हर एक नोड को और उसका हम एड्रेस स्टोर करेंगे, वैल्यू ना स्टोर करके एड्रेस स्टोर करेंगे। इसीलिए हम जो अपना इन ये व्हाट आई कॉल वेक्टर बनाए हैं वो नोड स्टार नाम का बनाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम नोड स्टार रूट और क्या पास कर रहे हैं, और हम वेक्टर ऑफ इंट, इंट नहीं, वेक्टर ऑफ नोड स्टार। ठीक है, एड्रेस ऑफ ए। ठीक है ना, हो गया हमारा काम कंप्लीट। उसके बाद कुछ नहीं, हम अपना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का कोड लिख रहे हैं कि यदि रूट नल है, ये हमारा बेस केस है, तो उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम इस फंक्शन को कॉल किए इन ऑर्डर रूट का लेफ्ट, फिर ए ही पास किए हैं, ये क्या है? हमारे वेक्टर का एड्रेस है। ठीक है, हम यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस किए हैं पास। उसके बाद ए डॉट पुश, पुश बैक, पुश बैक में हम क्या करेंगे, नोड रूट पास कर देंगे। रूट क्या है, एड्रेस स्टोर कर रहा है। फिर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल करेंगे किसके लिए, राइट सब ट्री के लिए, तो रूट एरो राइट, हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब क्या हुआ, हमारा जो वेक्टर है ना इसमें हमारे सारे नोड का एड्रेस स्टोर हो गया है। अब हमको क्या करना है, जैसे अगर हम इन ऑर्डर को प्रिंट कराएं या फिर हम उसको एनालिसिस करें ना, तो उस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो हमारा एरे क्रिएट हुआ है, वेक्टर जो क्रिएट हुआ है उसमें पहला एलिमेंट होगा 3, तो 3 वाले नोड का एड्रेस स्टोर होगा। तो हमको क्या करना है, बस इसके नेक्स्ट में 8 वाले नोड का एड्रेस स्टोर कर देना है, हो गया। तो इसके लिए हम कुछ ना एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई असाइन 0, आई शुड बी लेस देन ए डॉट साइज -1 आई प्लस प्लस, और इसमें हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं, हम ए ऑफ आई के नेक्स्ट में असाइन क्या कर देंगे, ए ऑफ आई प्लस 1, हो गया काम कंप्लीट हमारा। आइए इसको रन करके देखते हैं, इतना प्यारा सा कोड ही था, बस इतना सिंपल ही था। ठीक है, तो जैसा हमको दिख रहा है कि मेरा एक्सपेक्टेड था 3 8, उसके बाद 8 का 10, 10 का 12, 12 के बाद एक भी नोड नहीं है तो -1 है, जो कि बिल्कुल सही बात है और हमारा आउटपुट भी वही आ रहा है। सबमिट करते हैं। ठीक है, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा सारा टेस्ट केस पास हो चुका है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं, हम बेसिकली अपने अप्रोच में डिस्कस किए क्या, हम किए क्या, हमको एक हमारा बाइनरी ट्री गिवन है, हम क्या किए, हम उस सारे नोड का एड्रेस स्टोर करा लिए। इस प्रॉब्लम को अगर हम हैशिंग से सॉल्व करना चाहते तो हम उससे भी कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे वेक्टर से किए। हम क्या किए, हम हर एक नोड को बारी बारी से ट्रैवर्स किए, इन ऑर्डर फैशन में ट्रैवर्स किए, क्योंकि ये कह रहा है द नेक्स्ट पॉइंटर फॉर एवरी नोड शुड बी सेट टू पॉइंट टू इन ऑर्डर सक्सेसर, इसीलिए हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, क्योंकि जस्ट इमीडिएट 3 के जस्ट इमीडिएट बाद जो नोड है उसका एड्रेस हमको 3 के नेक्स्ट नाम के पॉइंटर में स्टोर कराना है। यही काम किए हैं हम और हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुल्ली सॉल्व हो गया। अगर आपको इस कोड को समझने में दिक्कत जाएगी, आप कुछ नहीं, आप इसको ड्राई रन कीजिए। ठीक है,
अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये बिग ऑफ एन है और हम सब यहाँ पे बिग ऑफ एन ही यूज किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय। थैंक यू एंड गुड बाय।